हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो मैं जा रही हूँ, आज अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं माता रानी के दर्शन करने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी चलिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और हमारे यहाँ पचकुइयाँ पे मेला लगता है तो आपको मेला भी दिखाते हैं, तो चलिए। और यहाँ पर देखिए हम चल दिए हैं और थोड़ी देर में हम पचकुइयाँ के मंदिर पहुँच जाएंगे। तो देखिए हम मंदिर आ गए हैं और मंदिर के बाहर यहाँ मिठाई की दुकान से मुझे कुछ जलेबी और दही लेना था कन्याओं को देने के लिए। तो यहाँ पर मैं जलेबी और दही जलेबी ले रही हूँ, तो बस वही मुझे मंदिर पर कन्याएं मिलेंगी तो मैं उनको बांट दूंगी। और देखिए मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा रही थी, इस तरीके से मेला भरा हुआ है। अभी दिन का सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और देखिए अभी मुझे प्रसाद भी लेना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से प्रसाद लूँगी। और प्रसाद में कुछ नहीं, मैंने नारियल लिया था, इलायची दाने लिए थे, अगरबत्ती वगैरह ये सब लिया था। तो बस प्रसाद लेने के बाद फिर हम मंदिर में चलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो बस अब हम इसके बाद, हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और दही जलेबी भी ले ली है, तो मैं ये सब चढ़ाने के बाद फिर कन्याएं, वहाँ पर कन्याएं जो मिलती हैं बहुत मिल जाती हैं, कभी कभी मिल बहुत सारी मिल जाती हैं, कभी ठीक ठाक मिल जाती हैं, तो बस मैं उनको बांट दूंगी। तो बस यहीं पे, यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रही थी। और लौटते टाइम में मैं मेले का पूरा वीडियो बनाऊंगी। अभी तो हम सीधे मंदिर के दर्शन करेंगे, तो बस चलिए मंदिर चलते हैं हम। तो देखिए ये है बाहर से पचकुइयाँ का मंदिर, अभी हम अंदर जाएंगे तो अंदर भी आपको दिखाएंगे। और ये हमारे झांसी में ही है और इसको पचकुइयाँ के नाम से जानते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अगर अंदर वीडियो बना पाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए सभी लोग, नवरात्रि चल रही है तो जल चढ़ाने आए हुए हैं सब लोग। तो बस मैं भी यहाँ पर, मैं प्रसाद चढ़ाने आई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पर अंदर तो ये जाने नहीं दे रहे थे, बाहर से ही चढ़ाने दे रहे थे, तो इनको पंडित जी को मैंने प्रसाद दे दिया था और इन्होंने चढ़ा के मुझे दे दिया था। बस पंडित जी ही चढ़ा कर देंगे, हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है। तो बस इसके बाद प्रसाद चढ़ने के बाद मैं पूरा मंदिर घूमूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बहुत सारी माताओं का भी मंदिर है, ये सभी माताओं का मंदिर है, तभी यहाँ पर इसको पचकुइयाँ का मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर सभी माताएँ हैं, तो यहाँ पर मैं सब माताओं पर मंदिर के पैर छूते हुए निकल के जा रहे थे सब लोग। और यहाँ पर देखिए सभी के जवारे रखे हुए हैं, जिनके यहाँ पर जवारे बुकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरी जवारे रखे हुए हैं। और बस वापस चल रहे थे मैं, आज मैं जल्दी आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि कम थी क्योंकि शाम ज़्यादा हो जाती है। आपको कमेंट बताना आप लोग को मंदिर वगैरह अच्छा लगता है। और बस मैंने मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। और इसके बाद ये कन्याएँ थी, तो मैंने दही जलेबी बांट दिए थे,
तो ये जो चार पांच कन्याएं थीं और बाद में हमें और मिलेंगी तो हम उनको भी बांट देंगे। तो बस ये लोग को मैं दही जलेबी दे रही थी और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इनको और कहीं भी कन्या कन्या के लिए जाना है। तो बस तो बोल रही थी आंटी कम रखिए, और किसी को तो दही चाहिए था किसी को नहीं चाहिए था। तो और बस इसके बाद मैंने दही जलेबी बांट दिए थे। इसके बाद ये एक दो लड़कियां और आ गई थी तो मैंने कहा चलो इनको भी बांट देते हैं, फिर आगे जो और मिलेंगी तो उनको भी दे देंगे। तो बस ये आ गई थी तो मैंने इनको भी दे दिया। और अच्छा है इन नवदुर्गों में ही ये सब कर पाते हैं, नहीं तो रोज़ रोज़ कौन करता है ये सब। तो बस इसके बाद यहाँ से मेला है, मतलब मेले में सभी लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बस कुछ नहीं, किचन से संबंधित चीज़ें हैं तो सभी लोग देख रहे थे तो मैं भी देख रही थी। और मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था, बट तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं लेने का कुछ सोच रही थी पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने फिर यहाँ पर नहीं लिया। मुझे चिप्स कटर लेना था पर ये चिप्स कटर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने नहीं लिया। और बस यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे आइटम मिल रहे थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस यही सब चीज़ें हम देख रहे थे, ये सारी किचन से संबंधित चीज़ें हैं, टिफ़िन विफिन चम्मच वगैरह और डलिया बेलन ये सब चीज़ें थीं। ये कटोरी और ये कढ़ाई वगैरह, ये कढ़ाई भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन क्या था इसका एलुमिनियम अच्छा नहीं था तो फिर मैंने नहीं ली थी। और यहाँ पर देखिए और भी दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भगवान जी की फ़ोटो और किताबें वगैरह मिल रही थी, व्रत वाली किताबें, व्रत चालीसा की किताबें और भी पोस्टर वगैरह सीनरी वगैरह ये सब मिल रही थी। तो इसके बाद चलते हैं अगली दुकान पर, यहाँ पर पर्स मिल रहे थे और यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ मिल रही थी पत्थर से बनी हुई, मतलब मार्बल से बनी हुई मूर्तियाँ मिल रही थी। और यहाँ पर ये ब्रेसलेट वगैरह मंगलसूत्र अंगूठी ये सब मिल रहा था। और इसके बाद चलते हैं अगली दुकान पर, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ये मेहंदी लगा रहे थे 10 रुपए में एक हाथ पर मैंने नहीं लगवाई थी। तो ये मेहंदी मैंने आप लोगों को दिखाई है। और इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए सब वही सामान है जो मार्केट में मिलता है, वही मेले में भी था तो मेरा कुछ लेने का मन नहीं था। और यहाँ पर नेल पॉलिश मतलब श्रृंगार से रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, बिंदी पॉनिटिल वगैरह और ये सब मिल रहे थे। तो मैंने वीडियो बनाई है केवल आप लोगों के लिए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पर ये बच्चों के खिलौनों की दुकान थी तो खिलौनों में भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, चूड़ियाँ वगैरह भी मेरे पास थी तो मैंने नहीं ली। और यहाँ पर मुझे हाँ ट्रे ज़रूर लेना थी तो मैंने ट्रे ये पसंद की थी तो ये उन्होंने ये मुझे थोड़ी ट्रे तो देखने में अच्छी थी पर वो सही नहीं थी तो इसलिए नहीं ये फिर मैंने बाद में दूसरी ले ली थी। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने कौन सी ट्रे ली है। और यहाँ पर देखिए ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं, टेडी बियर बंदर वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे थे।
ये बच्चों के आइटम थे। और यहाँ पर देखिए ये क्लेचर वगैरह है, लिपस्टिक है और पोनी वगैरह है, सब कुछ मतलब ये बस यही मार्केट मेले में यही सामान तो मिलता है। और बस यहाँ पर ये सारी दुकानें ऐसी लगी हुई थी, यहाँ पर प्लास्टिक का सामान था, डलिया वगैरह ये सब कुछ। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर भी मेला वगैरह कहीं भरता है या नहीं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, मटके थे और गुल्लक थी, सुराही थी, दिए वगैरह थे। और यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ देखी थी, मिट्टी से बनी अब कढ़ाई भी आने लगी है, तो मैंने वो भी देखी थी, आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भगवान जी के वस्त्र वगैरह और उनके श्रृंगार का सामान मिल रहा था। तो और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर चाबी के गुच्छे वगैरह ये सब आइटम मिल रहे थे यहाँ पर। तो बस बाकी सब यही था। और बस हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं और बाहर की तरफ यहाँ से जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पर हम आ गए हैं। और बाहर की तरफ भी दुकानें लगी हुई थी, यहाँ पर कप वगैरह मिल रहे थे, ट्रे वगैरह मिल रही थी। तो मुझे कप तो नहीं लेना था, ट्रे मैं अंदर ही ले चुकी थी, मुझे कटोरी लेनी थी। तो मैंने यहाँ पर कटोरी मैं देख रही थी, ये वाली कटोरी मुझे चाहिए थी, तो मैं देख रही थी कौन सी पसंद आती है कौन सी नहीं। तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी मैं कौन सी जो मैं लूँगी वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली ली है। तो बस इसी के साथ यहाँ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।